हेलो स्टूडेंट, अकाउंटेंसी ट्वेल्थ हिंदी मीडियम। इस वीडियो में आपको साझेदारी से संबंधित ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो पेपर में लगातार पूछे जाते हैं और इस बार तो पक्का पूछा जाएगा। पूरी वीडियो को देखिए, कुछ हम अपने मन से, कुछ किताब के मिश्रण से आपको समझाएंगे। अपने टॉपिक का नाम लिख लीजिए, साझेदारी पुनर्गठन। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक का नाम लिख लीजिए, साझेदारी पुनर्गठन। जब साझेदारी पुनर्गठन पर हम आते हैं तो साझेदारी पुनर्गठन का मतलब होता है साझेदारी संस्था में जो भी समझौता हुआ हो उसमें यदि कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसको साझेदारी पुनर्गठन कहा जाता है। जैसे साझेदारी संस्था में समझौता होता है, संलेख होता है, उसमें कोई भी यदि परिवर्तन आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं साझेदारी पुनर्गठन के नाम से जानते हैं। तो आपके सामने टॉपिक है, बढ़िया से समझा रहे हैं, इसको नहीं लिखना है आपको, इसको आपको नहीं लिखना, समझना है। दो बार आपको हम समझाएंगे इसमें और लिखना है आगे। आगे क्या कहता है साझेदारी पुनर्गठन में, जब भी साझेदारी समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तथा फर्म चलती रहती है तब परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसका पुनर्गठन हो जाता है। जैसे मान लीजिए साझेदारी पुनर्गठन का मतलब क्या हुआ, साझेदारी पुनर्गठन का मतलब होता है मान लीजिए हमारी आपकी साझेदारी संस्था चल रही है, साझेदारी संस्था चल रही है तो कभी कभी ये होता है, कहा जाता है ऐसा, भैया हमारा आपका लाभ व हानि का अनुपात जो भी हो, जैसे लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, थोड़ा कम अच्छे से लिख पाए हैं, लिखना है लाभ हानि अनुपात में कोई परिवर्तन हो जाए, पहले समझो लिखना बाद में, या कोई नया साझेदार प्रवेश कर ले या अवकाश कर दिया जाए, ऐसी दशाओं में क्या निकल के आता है, साझेदारी में, साझेदारी के समझौतों में जो परिवर्तन आता है उसको साझेदारी पुनर्गठन कहते हैं। इस बार जरूर आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसके पहले नहीं था आपके सिलेबस में, चीज था लेकिन इसके नई लैंग्वेज है ये, ठीक है। जब अथवा देखो इतना इतना बड़ा दिया है ना अलग अलग शब्दों में, जब एक फर्म की विद्यमानता को प्रभावित किए बिना फर्म चलती रहेगी उसमें परिवर्तन आ जाए, उसके समझौते में परिवर्तन आ जाए, उसको साझेदारी पुनर्गठन के नाम से जाना जाता है। पुनर्गठन की परिस्थितियां दी गई हैं, वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा, नए साझेदारों के प्रवेश होने पर, साझेदारों के अवकाश या मृत्यु पर, दो फर्मों के एकीकरण पर। तो आपको हम अपनी भाषा में लिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, भाई किताब में दो तीन बार दिया गया है तो एक बार तो मैंने समझाया और दूसरी बार आपको हम लिखवाने जा रहे हैं। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है अब साझेदारी पुनर्गठन से आशय, पेपर में पूछेगा तो क्या लिखना है, तो बढ़िया से हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या, ध्यान दीजिएगा, हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या जो भी हो, उसके बाद लिखना है साझेदारी पुनर्गठन से आशय, एक काले अक्षरों में बढ़िया से लिखना है, ठीक है। साझेदारी पुनर्गठन से आशय में लिखना है जब साझेदारी संस्था के समझौते में कोई परिवर्तन कर दिया जाए और
फर्म चलती रहे या विद्यमान हो, चलती रहे, उसे साझेदारी पुनर्गठन कहते हैं। कै नंबर में लिखना रहेगा, ये दो नंबर में लिखना रहेगा। इतना पेपर में पूछा जाए साझेदारी पुनर्गठन से आशय, तो लिखना रहेगा दो नंबर में। पुनर्गठन का मतलब होता है फिर से खड़ा हो जाना, फिर से खड़ा होने का मतलब फिर से गठित करना, कोई भी समझौता हुआ हो। जैसे हमने कहा हमारे यहाँ फीस बच्चों 500 रुपया महीना है, अब 600 रुपया महीना होगी, तो इसको बोला जाएगा पुनर्गठन का एग्जाम्पल, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, अगर हम 6 बजे 7 बजे पढ़ा रहे हैं, बता दें 8 बजे, तो हम इसको अपने दिशा में कहेंगे, लेकिन आपको व्यवसाय में साझेदारी में चीज़ लिखना है, इसको लिखिए। आगे बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो अति लघुत्तरी जो प्रश्न होता है, अति लघुत्तरी कितने शब्दों में पूछा जाता है, इंटर के बच्चों के लिए 30 शब्दों में, तो गिने होंगे तो आप 25 शब्द में होगा, कितना होगा, 20 शब्द है, तो इसको हम 30 शब्द इतना भी लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने सही लिखा है। अब वहाँ कोई ए ना, वहाँ कोई गिनने थोड़ी बैठेगा, ये कहाँ से गिने हो, यहाँ से कि यहाँ से, यहाँ से माना जाएगा, तो नीचे से गिनो हो तो यहाँ से हो गया 25 शब्द, ठीक है। जैसे साझेदारी संलेख किसे कहते हैं, साझेदारी संलेख ऐसा संलेख, ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें साझेदारी से संबंधित सभी शर्तें लिखी होती हैं ना, प्रत्येक साझेदार का नाम, पता, फर्म का नाम, पूंजी, ब्याज, पूरा सब लिखा रहता है ना, तो ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं, तो इन सब चीज़ों को हम इसी में समाहित कर देंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन हो जाए तो उसको साझेदारी पुनर्गठन कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं साझेदारी पुनर्गठन में क्या क्या शामिल किया जाता है। अब जब मान लीजिए अगर यही प्रश्न कै शब्द में पूछ लिया जाए, लघुत्तरी में पूछ लिया जाए ना, यही शब्द, यही प्रश्न अगर लघुत्तरी कितने शब्दों के लिए है, लघुत्तरी के लिए बताया गया है 100 शब्दों के लिए है, समझो 100 शब्दों के लिए है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है उसको लिखो। पहला नंबर विशेषता, इसको हेडिंग डाल सकते हैं, तत्व हेडिंग डाल सकते हैं, साझेदारी समझौते में परिवर्तन, साझेदारी समझौते में परिवर्तन। दूसरा नंबर साझेदारी प्रवेश, पुनर्गठन कब होता है, प्रवेश में, ठीक है। तीसरा नंबर साझेदारी अवकाश ग्रहण ना लिख सकते हैं। चौथा नंबर अलग से बना के लिख सकते हैं, विघटन नहीं आएगा, याद रखना, साझेदारी मृत्यु। पांचवा नंबर क्या आएगा, पांचवा नंबर दो साझेदारी फर्म का सम्मिलियन, सम्मिलियन का मतलब दो अलग अलग साझेदारी है उनको आपस में मिला दो, उसको साझेदारी सम्मिलियन कहते हैं। ये चीज़ आपको इतना लिख देना है, इतना लिख देना, ये हेडिंग हो सकती है, समझ लो, ये हेडिंग बना सकते हो, इसमें लिख सकते हो जब साझेदारी समझौते में जैसे लाभ हानि में परिवर्तन कर दिया जाए, कोई नई शर्त जोड़ दी जाए ना। प्रवेश में क्या लिख सकते हो, जब साझेदारी प्रवेश किया जाता है तो नया साझेदार आता है ना, पूंजी लेकर आता है, ख्याति लेकर आता है, तब भी परिवर्तन होता है, पूंजी में परिवर्तन हो जाता है, पूरी फर्म में परिवर्तन हो जाता है एक तरह से, अवकाश ग्रहण में जाता है तब भी परिवर्तन हो जाता है, लाभ व हानि का अनुपात बदल जाता है ना, और मृत्यु में भी वही होता है। साझेदारी सम्मिलियन का मतलब होता है दो का मतलब दो साझेदारी मिलकर के एक नया व्यवसाय करने लगे, मतलब दो साझेदारी, दो कंपनी, दो साझेदारी इकट्ठा हो जाए। अब आगे चलते हैं, देखो अब आते हैं इन चीज़ों को शामिल करते हैं। अब विशेषता में क्या है,
साझेदारों के मध्य आपसी समझौते में परिवर्तन हो जाता है, फर्म व्यवसाय चालू रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, साझेदारों का पुराना समझौता समाप्त हो जाता है और नया प्रारंभ हो जाता है, साझेदारों के मध्य लाभ हानि विभाजन नए अनुपात में हो जाता है, मतलब लाभ हानि विभाजन जो मैंने बोला इतना तो लिखो सकोगे। अगला है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय किए जाने वाले समायोजन। अब आप समझिए साझेदारी में लाभ हानि का परिवर्तन जो होता है उससे कौन कौन से जगह पे प्रयोग किया जाता है। लाभ हानि का प्रयोग उस समय किया जाता है, लाभ हानि अनुपात का प्रयोग उस समय किया जाता है जब नया साझेदार व्यवसाय में आता है, ख्याति लाता है तब प्रयोग किया जाता है ख्याति को बांटने के लिए, व्यवसाय से कोई भी साझेदार जाता है, जाने का मतलब अवकाश ग्रहण करता है या किसी की मृत्यु होती है तब भी ख्याति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है कि नहीं किया जाता है? तब भी उसका नया साझेदारी अनुपात का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न में जब संचय दिया हो, अवितरित लाभ दिया हो, संपत्ति दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन हो, पूंजी का समायोजन हो, इसको हम अपने लैंग्वेज में समझाते हैं। देखो इसको पढ़ के बताना ही काफ़ी नहीं है, अब आप समझो अपने स्तर पर आइए। सबसे प्रथम बार हम लोग लाभ हानि खाते का प्रयोग कब करते हैं, लाभ हानि अनुपात का प्रयोग कब करते हैं? पहला नंबर सबसे पहले कहाँ करते हैं? जब हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं ना, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं तब क्या निकल के आता है, चाहे लाभ निकल के आए चाहे हानि निकल के आए ना, पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ व हानि को बांटने के लिए ना, पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ व हानि को बांटने के लिए प्रयोग करते हैं। नया साझेदार आता है तो इस यहाँ नया अनुपात, लेकिन प्रयोग यहाँ पुराना अनुपात होता है प्रयोग, यहाँ नया ख्याति, यहाँ भी पुराना होता है, को बांटने के लिए ख्याति को बांटते हैं। जब पूंजी खाता बनाते हैं ना, तब क्या होता है, संचय दिया रहता है, अवितरित लाभ दिया रहता है, उसको बांटने के लिए हम लोग ना, जब कोई फर्म से जाता है तब भी ख्याति के लिए प्रयोग करते हैं। तो वही चीज यहां पर बताया गया है, देखो क्या वही चीज बताया, त्याग अनुपात, ख्याति का मूल्यांकन, संचय वितरित लाभ, संपत्ति दायित्व का पुनर्मूल्यांकन पहले बता दिया, पूंजी का कोई समायोजन है, जब पूंजी का समायोजन है नए अनुपात में पुराने अनुपात में तब इसका प्रयोग करते हैं। सूत्र याद रखना थोड़ा से, पेपर में बहुविकल्पी के तौर पर सूत्र पूछ सकता है, समझिएगा बहुविकल्पी के तौर पर सूत्र पूछ सकता है, सूत्र में आपको क्या लिखना है, त्याग अनुपात बराबर, त्याग अनुपात बराबर पुराना, पुराना मतलब ज़्यादा माइनस नया, इतना ही नहीं लिखना है, पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस नया लाभ हानि अनुपात, ठीक है। अब लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया माइनस पुराना, इसको लिख लो कॉपी में, ये बहुत ज़रूरी है, विकल्पी के तौर पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लिखोगे? इसको याद भी होना चाहिए, लिखना ही बड़ी बात नहीं है कि लिख ले कॉपी फेंक दो। अब आते हैं हम लोग ख्याति के ऊपर, ख्याति अगला टॉपिक है।